ये आसान नहीं है यार, बट जब चलते जाएंगे तो आसान लगता जाएगा। एनीवेज नीचे देखो, बिल्कुल भी जगह नहीं है, ब्लैक आइस भी गिरी हुई है। जाने वालों को भी रास्ता देना है और आने वालों को भी, थोड़ा टफ ज़रूर है बट हम करेंगे। सो गाइस, हम लोग चंद्रशिला पहुंचने में अभी थोड़ी सी देर और लगेगी। तुंगना दावा के दर्शन करने के बाद अमन भी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे थे रिगार्डिंग माय पहाड़ी लाइफस्टाइल। ठीक है, अपने पहाड़ी हेरिटेज की बात करता है तो मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ पहाड़ियों की, बट संजय में मुझे वो बात नहीं लगी। नहीं लगी, थोड़ी कम लगी। निशांत, आप कुछ कहना चाहोगे? लगी। यू नो व्हाट, मैं पीछे इसलिए चलता हूँ ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूँ। ये तो है। सेकंड थिंग, मैं ब्लॉग बनाते हुए आ रहा हूँ एंड द मोस्ट एंड द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि थर्ड है, मैं यहाँ भी एंजॉय कर। सो अभी एक पॉइंट आया जहाँ पे थोड़ा सा ना व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उस व्यू को मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसी व्यू के लिए इतना ट्रैकिंग करके, इतना हार्डवर्क करके, इतनी सांस फुला के हम लोग आए थे। और लिटरली यार, ये जो व्यू है ना, टॉप पे चंद्रशिला का फ्लैग हमें दिख रहा है जहाँ पे हमें पहुँचना है अभी, वो भी अच्छी खासी दूरी पे अभी है। बहुत से लोग चढ़ रहे हैं रास्ते में और उनकी जो है थक चुके हैं, सांस फूल गई है, जिसकी वजह से वो बीच में रुके हुए हैं। और लेकिन स्टिल अभी हम चारों लोगों की इतना प्रॉब्लम नहीं है, हम चढ़ सकते हैं। खैर, चंद्रशिला एक अच्छा ट्रैक है जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स को करना चाहिए। अभी रिसेंटली पिछले एक दो साल में इतना ज़्यादा वायरल हुआ है, तो मैं तो ये कहूँगा भाई, आप सभी लोग यहाँ पर एक बारी आइए और आपको जानने को मिलेगा कि भाई हमारी उत्तराखंड देवभूमि कैसी है। और एक्चुअल में आज से हजारों साल पहले या आज से 100 साल पहले कैसे दिखती होगी। तो चलिए, अब जो व्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अब लिटरली दिस इज़ वर्थ इट यार। सारा का सारा जो हमारा जितनी ट्रिप लगी, जितना भी हमें मेहनत लगी, वो सारा वर्थ है। सो ये है पूरा चंद्रशिला का व्यू ऊपर से जो दिख रहा है हमें, और ये रहा पूरा यहाँ का व्यू जो कि वर्थ है यार यहाँ पे, यहाँ तक आने का। आई डोंट नो, पता नहीं मेरे आईफोन 7 में इतना अच्छा कैच कर पा रहा है या नहीं, बट बहुत अच्छा व्यू है। अभी ऊपर से जाके देखते हैं ये कितना और ज़्यादा हमें प्यारा लगता है। ये सीढ़ियाँ केवल यहीं तक ही हैं, इसके बाद पूरा स्नो का है, पूरे स्नो है, इस पर चल के हमें जाना है। तो अगर वहाँ से आप फिसलते हो ना, एक तो ये हार्ड हो चुकी है, स्नो हल्का सा भी फिसलते हो तो आप नहीं होल्ड कर पाओगे अपने आप को, तो इसलिए बहुत सोच समझ के इसमें जाना पड़ेगा। तो चलिए हम चलते हैं, बट मैं वहाँ प्रेफर करूँगा जिस रास्ते पर ऑलरेडी लोग गए होंगे, क्योंकि पैरों के निशान बने होंगे जिससे हमें चलने में आसानी रहेगी। ये वैसे ऐसा सच कुछ डिफ़िकल्टी इतनी है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के पैर के निशान हैं, तो इतना गड्ढा हुआ है पहले से। और अगर आपके शूज़ अच्छे हैं तो ईज़िली चढ़ जाओगे। जैसे अमन भी आके बाज़ार के शूज़ थे, ठीक है, उन्होंने ये पहने हैं। मैंने नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ को कस्टमाइज़ करवा लिया, मॉडिफाई करवा लिया, ठीक है। और ये रहे मृदुल भैया, लेकिन ब्लैक इसलिए आ रही हो कि सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है। कोई नहीं, ब्लैक भी अच्छी आती है, जरूरी नहीं है रबर दिखाई। इतनी बर्फ है बट अभी भी ना ठंड नहीं लग रही यार। ऐसी लेना मेरी, मैं इनकी बर्फ मारता हूँ जरा। सही आई है हो ओ मेरी ले, आपकी क्यों लूं। ये वो व्यू है ऊपर से, और निशांत भाई वहां पे हमारा एंजॉय कर रहे हैं। बात वो है, वो व्यू देखो यार, फोन में इतना कैप्चर हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन आंखों में जो यहाँ पर दिख रहा है ना, वो बंदे को यहीं आके दिखेगा, है ना भैया। कान, सो गाइस दिस इज नॉट इजी यार, वो देखो वहाँ पर फिसल रहा। सो द थिंग इज, यहाँ पर जगह इतनी सी है, ब्लैक आइस इतनी ज़्यादा है और लोग इतने ज़्यादा हैं, सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन हमारा कहता, हम लोग जो ऊपर से आने वाले लोग हैं और जो फॉरनर्स हैं, उनको थोड़ी सी ज़्यादा हेल्प दे रहे थे और उनके लिए जगह बना रहे थे। अरे यहाँ से आ जाना संजय, यहाँ से शॉर्टकट ले। जिस चीज़ के लिए हम ऊपर आ रहे थे,
फाइनली वो चीज़ आ गई है। तो मृदुल भाई देखो, चंद्रशिला तो हम पहुँच चुके हैं, और ये सामने से नज़ारा देखिए आप, और ये नीचे का भी देख लो। ये लोग थे वो फॉरनर्स जो पूरा एकदम ग्रुप बना के आए हुए थे यहाँ पे, इन लोगों ने पूरा जाम लगाया हुआ था यहाँ। इसे चंद्रशिला कहते हैं, मून रॉक कहते हैं, और एक कहानी ये भी कही जाती है कि भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो रावण एक पंडित थे, एक विद्वान थे, तो भगवान राम यार वी आर विद निशांत यादव। सो भैया आपने जिस तरह आपने बताया कि आप भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, तो एक बारी हमें जरा जरूर इस जगह के बारे में, तो खैर हमने बहुत बारी सुन लिया, एक बारी आपके मुझे सुनना हम जरूर चाहेंगे, प्लस आप अपने इन चीज़ों के बारे में जरूर बताना कि किस तरह आप भगवान शिव का मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, जो कि बहुत पावरफुल मंत्र हैं भगवान शिव के माने जाते हैं। सो इन चीज़ों में कुछ आप एक बारी टिप्पणियाँ दीजिए। शिव जी का भी भक्त हूँ, तो ओम नमः शिवाय का ही उच्चारण कर रहा था मैं अपना आराम से, क्योंकि पहाड़ों पे कंसंट्रेशन करके उच्चारण करना और योगा पोजीशन में सबसे बेस्ट ध्यान लगाने की क्रिया है मुझे लगता है। सो गाइस ऊपर चढ़ना चंद्रशिला तक जितना टफ था, उससे थोड़ा सा टफ यहाँ पे उतरना है, क्योंकि नीचे को स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो जा रही है, और सेकंड रीजन स्लिपरी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे देखो ये पागल हो पड़े हो। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने अपना तुंगना चौपटा और चंद्रशिला का ट्रैप कंप्लीट कर लिया, ट्रैक कंप्लीट कर लिया। और सुबह से भाई ना मैंने ना मृदुल भाई निशान भाई अमन भाई किसी ने भी सही से खाना नहीं खाया, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पे हम गए ऊपर और नीचे आए, ठीक है। और यहाँ तक जो चिप्स चॉकलेट खाई थी मोस्टली एक या दो, ठीक है। अपन भैया प्लीज यार ब्लॉग बन रहा है यार, पराठे भी खाए थे हाफ हाफ पीसेस और हाफ हाफ पीसेस ऊपर, तो कहने का इतना मतलब है नॉर्मल जो हम खाते थे उससे तो 1% था जो खाना है ना। और अब हम लोग निकल चुके हैं ऋषिकेश के लिए। आप लोग सोच रहे हैं जब जो हमने अपनी तुंगनाथ की जो यात्रा थी खत्म करी, उसके बाद ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे शिवाय अमन भैया को छोड़ के। अब हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए, तो ऋषिकेश का जो रास्ता है ना वो सेम उसी रास्ते से है जिस रास्ते हम ऊपर आए थे, और हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो वहीं जाके हम लोग खाना खाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम जो आज की नाइट है वो वहीं स्टे करेंगे। और अभी हमको 4 से 5 साढ़े 5 घंटे भी लग सकते हैं ऋषिकेश पहुंचने में, तो चलते हैं सीधा सफर को एंजॉय करते हुए। इसी के साथ जय तुंगनाथ बाबा की। तो गाइस हम लोग ऋषिकेश की तरफ जा रहे थे, तो सोचा देव के दर्शन कर लें। इधर देखो निशान भाई, बोलो गंगे मैया की जय। तो निशान भाई बता रहे थे ना मछली हैं बड़ी बड़ी, मछली को दान दिया जा रहा है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पर कोई आरती स्टार्ट होने वाली, लेकिन हम लोग आरती अटेंड नहीं करने वाले, क्योंकि कोई बीजेपी का नेता आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे मीडिया वाले भी आए हुए हैं। और हम लोगों ने दर्शन कर लिए, मछली को खाने दे दिया, अब हम लोग भी चलते हैं ऋषिकेश के लिए, अंधेरा होने वाला है, तो चले भाई। आज ही बस चल रहे हैं भाई। और वो देखो वो रे ये जीन वाले। तो गाइस हम लोग जो हैं कहाँ पे भाई अभी अब हम लोग जो हैं खाना खाने के लिए आए हुए हैं, डिनर करने के लिए आए हुए हैं चोटी वाला पे ऋषिकेश में। हम लोग अभी स्टे कर रहे हैं, जहाँ तक सोचा हम लोग लेने को तो हयात ले लेते, बट अभी इस वक्त फ़िलहाल कोई सेंस नहीं बनते इतनी ज़्यादा पैसे खर्च करने का। पर डे का जो है 10,000 रुपये बैठता है। जस्ट लेट मी टर्न कैमरा टू योर साइड, ओके। एक्चुअली था क्या कि हम सोच रहे थे हयात ले रहे, बट संजय ऐसे हालात नहीं है कि जान भाई। हाँ तो हम जो डिसाइड कर रहे हैं अभी यहाँ पे स्टे करने का, जान भाई का ना दिमाग अभी काम नहीं कर रहा, हाइट भी दिखी, हम स्टे नहीं कर रहे हैं यहाँ, बस खाना खाने आए हैं। नहीं नहीं ऋषिकेश में हम रुक रहे हैं ना, ऋषिकेश में हम वहाँ रुकेंगे, ऋषिकेश का हयात रेजिडेंसी, ठीक है। तो हम लोग ना स्टे करेंगे यहाँ पे, और उस खाना वाना खा के और दिल्ली के लिए निकलेंगे हम सुबह मॉर्निंग में, और कल दिन तक हम लोग पहुँच जाए। सुबह जो हम लोग आ रहे हैं गंगा घाट पे चोटी वाले से खाना खाने।